सुबह कौवा का बोलना देता है कुछ खास संकेत कि छत पर बैठना, कौवा का सुबह सुबह बोलना, कौवा को रोटी खिलाना, किसी ऐसी ही कितनी बातें हैं जिसको लेकर हमारे मन में कई सवाल उठते ही रहते हैं। कई बार कौवा सुबह सुबह हमारे घर की छतों पर बोलने लग जाता है, इसके भी कुछ संकेत होते हैं। कौवा को शनिदेव का रूप समझा जाता है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कौवे को भोजन देने की मान्यताएँ होती है। तो आइए जानते हैं कि सुबह सुबह कौवा बोले तो क्या होता है। कौवा को लेकर कई तरह के शकुन और अपशकुन की मान्यताएँ होती है। सुबह सुबह किसी भी कौवा का घर की छत पर बोलना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कौवा सुबह सुबह आपके घर की छत पर आकर बोलता है तो घर में कई मेहमान आने वाले हो सकते हैं। इसी तरह ऐसा माना जाता है कि यदि घर में कोई छोटा बच्चा अचानक ही पानी से घर का फर्श साफ करने लगे तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला होता है। इसी तरह यदि कौवा किसी महिला पर बैठ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उस महिला के पति के जीवन में कोई मुसीबत आने वाली है। इसी प्रकार यदि सुबह के समय कौवा अचानक अपने पैरों से आपके सिर को छू ले तो ऐसा माना जाता है कि जल्द ही आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कौवे को भोजन देने की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि कौवे को भोजन कराने से हमारे सभी तरह के पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। कौवा को रोटी खिलाने से किसी अनिष्ट और शत्रु का भी नाश होता है। कौवा भगवान शनिदेव का रूप होता है, ऐसा माना जाता है कि कौवा को भोजन कराने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा हमेशा बनी होती है। वैसे सभी पशु पक्षियों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से भोजन कराना चाहिए, इससे घर में खुशियाँ और जीवन में समृद्धि आती है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आपको लगाव होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो बताने नीचे कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइस, बाय बाय, टेक केयर।